फर्नीचर के बारे में मैंने एक बात बताना चाहता हूँ। फर्नीचर अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गांव में निकम्मे आदमी को बोला जाता है। फर्नीचर उसे समझा जाता है कि किसी काम का नहीं है, हर कोई उसे ताना मारता है। वो इंसान अपने आप में घूरता रहता है कि फर्नीचर आखिर है क्या। वो फर्नीचर एक दिन टीचर जब बन करके सबके सामने आता है, क्योंकि उसके पास कुछ प्लान होते हैं, उसके पास कुछ तरकीब होते हैं, जो तरकीब किसको कैसे बताए किसी को समझ में नहीं आती है, तो उसको एक फर्नीचर नाम दिया। अरे ये तो फर्नीचर है, बस यूँ ही बोलते रहता है, बस ऐसे ही करते रहता है। तो ये हमने एक इंसान की सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म है फर्नीचर, जो बनाने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद हर इंसान को लगेगा जो कोई कुछ बातें पब्लिक को, अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को बताना चाहता है, और जब उसकी बातें कोई नहीं मानता है, वो उस बच्चे की कहानी है। अपने आप में एक दर्द लिए वो दर बदर यहाँ वहाँ घूमता है कि आखिर मैं जो चाहता हूँ लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं, और जब उसकी बातें समझते हैं तब दुनिया बोलती है कि ये फर्नीचर नहीं टीचर था। तो हमने इस फिल्म को इसके लिए बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि सबसे पहले बात है कि जो यूपी बिहार के, खास करके यूपी बिहार जो पलायन होता है, वहाँ के बच्चों में पढ़ाई करने के बाद उनका एक ही मकसद होता है कि बाहर कमाने जाना है, बाहर तुम्हें काम करने जाना। उनके माता पिता अगर पढ़ाते भी हैं तो बस इसीलिए कि तुम्हें कहीं ना कहीं बाहर जाके जॉब करना है, बाहर कमाना है। तो हम ये जो यूपी बिहार के जो पलायन है उसको दूर करने के लिए ये हमारी कहानी उस पर कटाक्ष है कि लोग क्यों यूपी बिहार के लोग इतने परिश्रमिक होते हैं, इतने मेहनती होते हैं, फिर भी उनको दर बदर भटकना पड़ता है। सब कुछ होते हुए भी हुनर में यूपी बिहार से बढ़कर कोई नहीं है, टैलेंटेड में यूपी बिहार से बढ़कर कोई नहीं है, फिर भी वो दर बदर पे घूमने पे भटकने पे क्यों मजबूर है। यही कहानी, एक आम पब्लिक की कहानी, एक आम लोग की कहानी हमने फर्नीचर लेके आया है जो पलायन को खास करके मारेगा। और यूपी बिहार में हम ऐसा स्वरोजगार एक इस फिल्म के माध्यम से देने वाले हैं जो वहाँ के नौजवानों को वर्क मिलेगा, वहाँ पे काम मिलेगा, ऐसे ऐसे हम उद्योग इसमें दिखाएंगे। हम सरकार को भी इसमें जागरूक कर रहे हैं, अपने पब्लिक को इसमें जागरूक कर रहे हैं। ये फिल्म बनाने का मेरा उद्देश्य यही है, और इसके लिए मैंने अपने टीम को जो रखा है, हमारा टीम जो है खास करके बहुत स्ट्रांग है, अपने आप में स्ट्रांग है, और मैं चाहता हूँ कि फर्नीचर में हर किसी का सहयोग रहे, हर किसी का इसमें लगन हो। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, हर किसी के मेहनत से हम सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप सबका इसमें सहयोग, आप सबका बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। और जो मैं दुनिया को जो मैसेज देने जाना चाहता हूँ, जो देने वाला हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि सही तरह से रख पाऊँ। इसके लिए मैंने निर्माण में ये फिल्म फर्नीचर का मैंने स्टार्टिंग किया है, जिसका आज मुहूर्त है। इसमें हमारे साथ सबसे बड़ी बात है कि सब्जेक्ट मैंने जब पहले सोचा था फर्नीचर, ये फर्नीचर टाइटल एक्चुअली आज का नहीं है, ये सबसे मेरा के मेलोडी का, जब पहले हमने 2010 में हमने अपना प्रोजेक्ट चालू किया था के मेलोडी म्यूजिक कंपनी, उस समय पहला अगर मैंने रजिस्ट्रेशन हुआ था तो फर्नीचर ही हुआ था। उसका टोटल देख रेख मेरे हाथों में था, मैंने फर्नीचर, और अच्छी बात है कि मुझे फर्नीचर का टाइटल मिल भी गया। तो फर्नीचर बनाएंगे, और जो भी इसमें हमारे तकनीकी हैं उनका सबका मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से सहयोग करें, और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार मुझे चाहिए।